हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कीजिए एक्सप्लेन। मेरा नाम है प्रियांशुकलवार और जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा कि इसमें गोस्ट राइडर की बात हो रही है। ये मार्वल के सबसे पॉपुलर सुपर हीरोज में से एक है। हम सभी ने लगभग गोस्ट राइडर की मूवीज देखी हैं और उस मूवी की सबसे फैसिनेटिंग बात थी कि उसका फायरी स्कल जिसने सारे इंडियन मार्वल फैंस को चौंका के रख दिया था। जैसा कि हम जानते हैं गोस्ट राइडर की दो मूवीज रिलीज हैं, गोस्ट राइडर और गोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस। जैसे कि हमें पता है कॉमिक्स की डिटेल्स तो बहुत ज़्यादा होती हैं और इसीलिए मूवीज़ में उतनी डिटेल्स दिखाना बहुत ही मुश्किल है। और थोड़ी सी रिसर्च के बाद ये कंक्लूजन निकलता है कि गोस्ट राइडर मैथोलॉजी के कई सारे पार्ट्स हैं और सबकी ओरिजिन स्टोरीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कई सारे गोस्ट राइडर्स हैं। इसीलिए मैं सभी गोस्ट राइडर्स की ब्रीफ स्टोरी बताना चाहूँगा क्योंकि सबको एक चांस मिलना चाहिए। तो एक्चुअली में सबसे पहला गोस्ट राइडर तो कार्टर स्लेजी था, जो व्हाइट हॉर्स और व्हाइट मास्क पहन के वेस्ट की बुराइयों से लड़ता था, जो शायद ही पहली रिलीज में पॉपुलर हुआ हो। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर तो खोपड़ी वाला था। बेसिकली गोस्ट राइडर तो कई सारे हैं लेकिन मेरे हिसाब से आप सबको पसंद आने वाले मैं चार को मेंशन करना चाहूंगा, जो हैं जॉनी ब्लेज, डैनी कैच, एलेक्जेंड्रा जोन्स और सबसे न्यूएस्ट रॉबिन रेन्स। तो नंबर वन, जॉनी ब्लेज मार्वल की इशू 5 1972 में रिलीज हुई थी। जैसे कि हमें मूवीज से पता ही है जॉनी ब्लेज के फादर एक स्टंट ड्राइवर थे और वो एक क्रैश क्रिम्सन नाम के व्यक्ति के यहाँ काम करते थे। उसके फादर के बाइक एक्सीडेंट के बाद मौत होने के बाद क्रैश क्रिम्सन और उसकी वाइफ ने उसे गोद ले लिया था और उसकी डॉटर रॉक्सैन जॉनी की गर्लफ्रेंड बन गई। और फिर जब उसको पता चला कि क्रैश क्रिम्सन को एक कैंसर है तो फिर से वो अपने फादर को खोने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने कई सारे डेविल्स की किताब पढ़ी और डेविल से ये डील की उसके फादर की कैंसर हील करने के लिए उसने अपनी सोल बेच दी। उसके फादर का कैंसर तो ठीक हो गया लेकिन उसके फादर की स्टंट एक्सीडेंट में मौत हो गई। डील में एक कंडीशन थी कि उसे सुपर विलियंस को वापस हेल में भेजना है, इसीलिए वो घोस्ट राइडर बन गया। तो आते हैं नंबर दो, डैनी कैच घोस्ट राइडर की वॉल्यूम 3 इशू 1 1990 में सबसे पहले देखा गया था। डैनी कैच की बहन बारबरा कैच डेड शॉट की मदर की विटनेस बन गई थी, इसलिए डेड शॉट दोनों की जान लेना चाहता था। लेकिन डैनी कैच तो जॉनी ब्लेज का सिबलिंग भी है। डैनी और बारबरा डेथ वॉच से अपनी जान बचा के भाग रहे थे तो डेथ वॉच ने एक क्रॉसबो से उसकी बहन को बहुत बुरी तरीके से मार दिया था। तो जब डैनी कैच वहाँ से भाग रहा था तो उसे एक स्ट्रीट में एक बहुत ही ब्रांड न्यू बाइक दिखी और जैसे ही उसने वो बाइक छुई वो घोस्ट राइडर में बदल गया। और फिर क्या था, घोस्ट राइडर बनते ही उसने डेथ वॉच और उनके आदमियों को हरा दिया और पुलिस के आने के बाद अपनी बहन को उनके हवाले कर दिया। और जो लोग सोच रहे होंगे कि डैनी कैच को बाइक छूते ही घोस्ट राइडर की पावर्स कैसे मिल गई, उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि डैनी कैच जॉनी ब्लेज का सिबलिंग है तो उसे यह पावर विरासत में मिली थी। तो आते हैं नंबर तीन पे, एलेक्जेंड्रा जोन्स फियर इटसेल्फ की इशू 1 में सबसे पहले नजर आई थी। जी हाँ, ये एक फीमेल है घोस्ट राइडर है। एलेक्जेंड्रा जोन्स को 18 साल तक किसी मिस्टीरियस आदमी एडम ने बड़ा किया था। इस कॉमिक में कोई नहीं जानता कि वो मिस्टीरियस आदमी एडम का क्या नाम है, वो क्या करता है। लेकिन एक सीकर जो जॉम्बी टाइप एक आदमी है उसने ये सारी पावर्स एलेक्जेंड्रा को दी थी। और जैसे कि सारे कॉमिक्स में होता है किसी बुरे विलन ने सारे अर्थ के लोगों को जॉम्बी बनाने का प्लान बनाया था और एलेक्जेंड्रा जोन्स की मदद करने के लिए लास्ट के क्लाइमैक्स में जॉनी ब्लेज आता है और सबको हरा के खुद चला जाता है। तो आते हैं सबसे न्यूएस्ट घोस्ट राइडर पे, जिसका नाम रॉबिन रेज है। रॉबिन रेज सबसे पहले मार्वल की इशू 1 2014 में नजर आया था। एक मैक्सिकन अमेरिकन है जो अपने डिसेबल्ड भाई के साथ रहता है। रॉबिन रेज अपना स्कूल और ऑटो वर्कशॉप का भी काम करता है और कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए वो रात को कुछ स्ट्रीट इलीगल रेसेस के लिए भी काम करता है। एक रात जब वो स्ट्रीट रेस कर रहा था उसे नहीं पता था कि यह चोरी की कार हंटेड है और वो एक जमाने की एलिमोरा नाम के एक सीरियल किलर की कार है। कार जब वो उस कार में बैठा तो वो घोस्ट राइडर बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे गाड़ी में बैठते ही घोस्ट राइडर बन जाता है, लेकिन वो घोस्ट राइडर की फैमिली से ही बिलोंग करता है, वेंजेंस फैमिली से। रॉबिन रेस के अंदर एलिमोरा की जो ईविल घोस्ट पावर थी उसको वो अंदर ही मार के वो उन्हीं पावर्स को अच्छे के लिए यूज करता है। और रॉबिन रेस शील्ड का एजेंट भी है तो आने वाली मूवीज में देख के अच्छा ही लगेगा रॉबिन रेस का नया लुक। लेकिन हम ये कह नहीं सकते कि इस कॉमिक का नाम ही सिर्फ घोस्ट राइडर है क्योंकि उसके अंदर वेंजेंस की ताकत नहीं, उसके अंदर तो ईविल की ताकत है। इसलिए पूरी तरीके से इसे हम घोस्ट राइडर नहीं कह सकते क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज और घोस्ट राइडर दोनों बिल्कुल मेल नहीं खाते। हेलो एवरीवन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, शेयर मारो, टैग मारो, सब्सक्राइब मारो, अंडे मारो, बर्तन मारो, कुछ भी मारो लेकिन मारो जरूर।